एमपी के कृषि मंत्री पटेल ने किसानों से कहा, आप अपने खेत में आधा पौन एकड़ या हो सके तो मेड़ों पर फलदार पौधे अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा, फलदार बगीचा लगाना उनका भी सपना था, लेकिन राजनीति के कारण वो पूरा नहीं हो सका। खेती किसानी के साथ प्राकृतिक फार्मिंग करने का शौक कृषि मंत्री कमल पटेल को बचपन से ही है, लेकिन राजनीति में आने के बाद अपने गांव की जमीन पर बगीचे में फलदार पौधे लगाकर अपने हाथ से अतिथि को चाय की जगह जूस पिलाने या फल खिलाने का सपना वो पूरा नहीं कर पाए। कृषि मंत्री कमल पटेल अपने गृह जिले की गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान वे ग्राम पिपलिया के किसान विजय सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर पहुंचे। मंत्री पटेल ने किसान विजय के साथ उनके बगीचे का अवलोकन किया और उन्होंने आम केला कई सारे फलदार पेड़ों से फलों को तोड़कर उनके जायके का लुत्फ़ उठाया। उन्होंने किसान विजय सिंह राजपूत के फार्म हाउस से प्रदेश के किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप भी अपने खेतों के आधे पौने एकड़ में फार्म हाउस बनाएं और अगर इतना भी नहीं हो सके तो अपने खेत की मेड़ों पर फलदार पेड़ लगाएं ताकि चाय की जगह जूस पीकर और फल खाकर आप और आपका आतिथ्य स्वस्थ रहे। तो किसान के खेत में सब चीजें होना चाहिए ताकि किसान के यहाँ कोई मेहमान आए तो उसको चाय की बजाय हम जूस पिला दें, हम फल खिला दें, जिस सजन में आए वो होना चाहिए हर किसान के पास। तो हमने भी लगाया बगीचा, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अब राजनीति में 24 घंटे समय देने के कारण उतना खेती में समय नहीं दे पाते, लेकिन विजय ने हमारा सपना साकार किया, इसलिए बहुत बधाई। मैं आज आके बहुत प्रसन्न हूँ और तबीयत हरी हो गई हरियाली देख के, और इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आपके पास जमीन बहुत है, जिनके पास ज़्यादा कम से कम आधा एकड़ में, पाव एकड़ में, अपने बाड़े में, खलियान में या कहीं नहीं तो अपने मेड़ों पर फलदार वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे हरियाली भी रहती है और बच्चों को, अपने परिवार को मौसमी फल मिलते हैं जिससे वो स्वस्थ रहेंगे, और अपने घर कोई मेहमान आते हैं तो उनको भी हम खिलाएं तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। यही जीवन का आनंद है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।